अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ मी ऐश। आज मैं बना रही हूँ मैंगो जैम, होममेड। बहुत ही अच्छा बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाएगा ये। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं बहुत ही सिंपल हैं। हम इसमें एक कप शुगर और 3 मीडियम साइज़ के मैं मैंगोज़ ले रही हूँ। मैंगोज़ को सबसे पहले हम रफली कट करने के बाद ब्लेंड करेंगे और उसके बाद शुगर और वो जो हमारी मैंगो प्योरी होगी उसको हम कुक कर लेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे हम जग में। तो स्टार्ट करते हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंगोज़ लेके मैंने उनको इस तरह से रफली कट कर लिया है। अब मैं इनको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। ये मेरे पास, आप फ्रीज़ मैंगोज़ भी ले सकते हैं और फ्रेश भी ले सकते हैं। इस वक्त मेरे पास ये फ्रीज़ मैंगोज़ हैं, मैंने इनको निकाल लिया है और ये थोड़े थोड़े मेल्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी। अब हम इसको एक धुले हुए पैन में डाल देंगे। ये प्योरी हमारी बड़ा अच्छा सा ये ब्लेंड होकर प्योरी बन गया है। हमें इस तरह की प्योरी चाहिए। और पानी आपने ब्लेंडर के जग में जस्ट इतना ही ऐड करना है जिससे हमारा ये शेक हो जाए। एज़ यू नो कि बिल्कुल अगर हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे तो हमारे जग में कुछ भी ब्लेंड ही नहीं होता। जैसे हम शेक बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करते हैं फ्रूट में, या कुछ भी हमने कोई चीज़ बनानी हो, चटनी इसमें या कुछ भी, तो हम पानी ऐड करते हैं। तो ज़्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना। मैंने इसमें सिर्फ थोड़ा सा 1/4 कप पानी ऐड किया जिससे हमारा जो जग है वो शेक करे इसको। तो ये अच्छा सा ब्लेंड हो गया। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से जो है वो ब्लेंड करना है। हमें बिल्कुल एक प्योरी चाहिए, बिल्कुल गाढ़ी सी। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिएगा, बिल्कुल थिक इस तरह से। अब हम इसे कुक करेंगे इसके साथ ही इसमें मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 कप शुगर का मैं ऐड कर रही हूँ, रेगुलर जो चाय का कप है 1 कप शुगर का। साथ ही आपने ऐड करना है क्योंकि शुगर जो है ये अपना पानी रिलीज़ करेगी जब हम इसको लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे, तो हमारा टाइम वेस्ट ना हो। उसके लिए हम लोगों ने जो एक्स्ट्रा कोई वाटर ऐड नहीं करना, ये मैं आपको बार बार बता रही हूँ। बस जग में आप उतना ही शेक करते हुए, हमारी मजबूरी है क्योंकि इसके बगैर ये ब्लेंड नहीं होगा। वो भी 1/4 मैंने ऐड किया जिसमें हमारा शेक हो जाए। और इसमें शुगर 1 कप जो है मैंने ऐड कर दी। अब लो फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे, शुगर अपना पानी रिलीज़ करेगी, तो ये एक ही टाइम में जो है हमारा जैम रेडी हो जाएगा। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि पहले आप मैंगो का जो थोड़ा बहुत वाटर है जो हमने डाला शेक के दौरान, शेक करने के दौरान, तो जी हम पहले उसको ड्राई करें और बाद में शुगर का, तो वो डबल टाइम हमारा जो है हो जाएगा इस तरह से। अब हम इसको लो फ्लेम पे कुक करेंगे। साथ ही हम इसमें इस शुगर को साथ ही हम मिक्स भी करते जाएंगे। लो फ्लेम रखना है आपने वरना ये सारा जल जाएगा। तकरीबन 15 मिनट हो गए हमें इसे कुक करते हुए। अभी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है। अब हम 3 मीडियम साइज़ के लेमन लेंगे, वो इसमें डाल देंगे। इससे ये होगा कि चीनी के क्रिस्टल नहीं बनेंगे और इसकी जो लाइफ है जैम की बढ़ जाएगी। अब इसमें लेमन ऐड करने के बाद हम इसको मज़ीद 2 मिनट कुक करेंगे और फिर हम अपना स्टोव ऑफ कर देंगे। लेमन डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जी व्यूअर, हमारा जैम बिल्कुल कुक हो चुका है और ये इसकी कुक होने की एक निशानी है। अभी हम इसका एक टेस्ट करेंगे। हम इसका एक छोटा सा ड्रॉप लेंगे और एक प्लेट में डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो अब हम इस प्लेट को इस तरह से टेढ़ा करेंगे, बिल्कुल इस तरह से सीधा ज़मीन की तरफ, जो सीधा पे जैसे खड़ा करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि जैम हमारा नीचे नहीं गिर रहा। बहुत गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, तो लम्स बने उसमें आपको लगाने में आसानी रहे, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखना। फ्रिज में रखने के बाद ही और थिक होगा। हमारा जैम रेडी है। अब हम इसको किसी जार में डाल लेंगे जो कि बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी का ड्रॉप या नमी तक नहीं होनी चाहिए वरना हमारा जैम ख़राब हो जाएगा। और 2 महीने तक आप इस जैम को फ्रिज में तक आप यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। बल्कि हम 2 महीने से ज़्यादा भी इसको रख सकते हैं अगर फ्रिज में है, तो ये 6 मंथ तक भी चल सकता है, 2 माह से 6 माह तक। व्यूअर, मैंने जैम को डिश आउट कर लिया, आप देख सकते हैं बहुत ही यमी मज़े का जैम बना है ये। आप चीनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, या आम डिपेंड करता है कितना मीठा है या कम मीठे वाला है, ज़्यादा मीठा आम है, आप उस हिसाब से अपनी चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब आप इसे किसी भी जार में डाल के, किसी भी बंद बॉटल वाले जिसमें एयर टाइट होना चाहिए, कोई भी जार, और उसमें आप एयर टाइट ढक्कन जिसका टाइट हो ताकि इसमें हवा ना जा सके, आप इसको फ्रिज में रखें और यूज़ कीजिए। घर का बना हुआ फ्रेश जैम आपने जो कि खुद बनाया हो फ्रेश फ्रूट के साथ। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।